हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। इस टाइम हम खड़े हैं चितकुल में। चितकुल हम आ गए थे कल रात को, भाई साहब गाड़ी ख़राब हो गई, जाम लग गया। रात को पहुँचे 10 बजे और अंकल जी ठंड तो ज़बरदस्त थी। ठंड बहुत ज़बरदस्त और चितकुल में रात को टेम्परेचर भी वो जो ऑक्सीजन लेवल हमारा 70-72 पे चला गया। 70-72 पे ऑक्सीजन लेवल, और जीजा जी का तो 70 से नीचे चला गया था। हाँ। भाई साहब घबरा गए वो और प्रॉब्लम हुई। और एक प्रॉब्लम हमें मेन हुई कि हमारे होटल वालों ने हमें अपनी कुकिंग का नहीं बनाने दिया, इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हुई। इस चीज़ की दिक्कत है, इसलिए हम आज चितकुल से निकल रहे हैं। शायद हम रिकॉन्गपियो रुकेंगे, अगर वो हमें बनाने के लिए दे देते, किचन दे देते, सामान हमारे पास सारा है ही है, वरना हम अपना रास्ते में ही करेंगे। ये इंडिया का लास्ट ढाबा है यहाँ पे, जो कि चितकुल में है। इसके आगे एक पॉइंट है रिवर साइड नीचे, और उससे अगला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है वो चौकी तक जाता है, जिससे आगे जा नहीं सकते। उससे आगे तिब्बत आ जाता है, वहाँ तक हमें जाने देते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, अलाउ नहीं है। और ये दो पॉइंट अभी हम आपको दिखाएंगे, और उसके बाद ये हम अभी ढाबे पे आकर रुके हैं। और नीचे आप सीन देखिए, सीन देखो, और ये आप देखो, इसका जो हाइट है 11,320 की हाइट पर हम इस टाइम खड़े हुए हैं। सामने आपको बर्फ़ दिखाई दे रही होगी, बर्फ़ के पहाड़, चारों तरफ पहाड़ हैं। और ये है नीचे ये ढाबा, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। हम अभी यहाँ पर चाय पियेंगे। तो अब हम ये जा रहे हैं ढाबे के अंदर कुछ खाने, आखिरी ढाबे में। भाई साहब ज़बरदस्त हवा चल रही है। ज़बरदस्त हवा है और ठंड भी है जी। ठंड तो दबा गया जी। ठंड भी है, हवा भी है। और ये हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा, ये देखो आप, लिखा हुआ है चितकुल, टेबल्स पे भी लिखा हुआ है। अरे सुनो, राजमा चावल है। हाँ जी, सौंक लगा रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं अभी, बन रही है, बन रही है। और कुछ खाने वाले हैं। ये आप सीन देखो यहाँ से। तो हम ढाबे पर आए तो हैं, लेकिन यहाँ पर अभी खाने के लिए कुछ तैयार नहीं है, और हम लेट हो रहे हैं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। आगे से कुछ खाएंगे, चले ही चलते हैं। अभी राजमा चावल बन रहे हैं, राजमा चावल बन रहे हैं, लेकिन टाइम लगेगा। फोटो लियो। ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब रास्ता ही ये थोड़ा सा अलग है, सांगला वैली से होता हुआ। ये रिवर है, बसपा रिवर है ये, और देखते हैं अब कहाँ जाते हैं, कुछ खाने के लिए मिलता है नहीं मिलता। चितकुल दिल्ली से 570 किलोमीटर है, और सांगला से 28 किलोमीटर। अब जा रहे हैं रिवर पॉइंट पर, वो देखते हैं, उसके बाद आगे बॉर्डर के पास जाने की कोशिश करते हैं। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ती है सर्दियों में, भाई साहब यहाँ आना मुश्किल हो जाता है। आप गाड़ी लेके नहीं आ सकते अंकल जी, है ना, क्योंकि शिमला से हम इतना आगे शिमला जाना मुश्किल हो जाता, तो यहाँ तो फिर आप समझ लो कि हम कहाँ पर हैं। ये हमारा होटल आ गया है, गाड़ी हमारी सामने खड़ी है। और आपको एक बात बताएं, रात को हमारी गाड़ी का फिर से किसी ने शीशा तोड़ दिया, साइड मिरर तोड़ दिया। अब पता नहीं क्या दिक्कत है सबको साइड मिरर से, और वो मिलना बहुत मुश्किल है। अब उसके बगैर ही जाना पड़ेगा, देखो कहीं आगे हमें मिलता है या नहीं मिलता। फिर कल हमारे उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था। ये होटल है हमारा। ये आ रहे हैं जीजा जी और सुनील भाई। ये फ़ोटो वोटो में मस्त हैं जी। चाय पीते मैं गाड़ी स्टार्ट कराता हूँ, सामान मंगाओ और निकल लो। चले, कुछ खाना नहीं है, खाएंगे वहाँ रिवर पे अंकल जी, रिवर पे। पता नहीं क्या है, नहीं अपना बना लेंगे अंकल, करें अपना बना लेंगे वहाँ। चलो ठीक है, यहाँ क्या खाएंगे यार, वही गंदे आलू। एक और ढाबा मिला था मेरे को, आप आगे थे, आगे अब ब्रेड ऑमलेट था उसमें। अरे छोड़ो, अपना करते हैं यार, स्लाइस बटर स्लाइस। अब मुझे चिंता क्या हो रही है कि नाको पहुँचो, वो लड़का मुझे जब भी कह रहा है क्या, आप अभी यहाँ से निकल जाओगे तो पहुँचो। तो नाको जाना है हमें, और दिक्कत ये तभी अंकल जी सामान सारा लेके आए कल रात को। यहाँ पर हमने होटल में जो खाना मंगवाया, दाल ख़राब थी, हमने एज इट इज़ उसको छोड़ दिया, हमें प्रिपेयर नहीं करने दिया ना। हाँ, यही दिक्कत हो गई। अब हमें नाको जाके अंकल जी थोड़ा टाइम मिल जाएगा ना ढूंढने के लिए, तो फिर जल्दी पहुँचते हैं। रिकॉन्ग पियो भी टाइम लगना, हमें रिकॉन्ग पियो भी टाइम लग जाएगा। सांगला में भी रुक, नहीं सांगला चलते चलते सांगला में चलते, 5 मिनट का ब्रेक है ना, ब्रेक क्या 2 मिनट ऐसी चल चलते कर लेंगे वो तो। अब भाई चाबी दे और तुम सामान जल्दी, अच्छा पैसे दे, गाड़ी कर देना स्टार्ट करके यहीं लगा देना, नहीं नहीं यहीं स्टार्ट कर दो और सामान मंगवा लो, मैं जब तक बिल विल देता हूँ। ठीक है, और अपने होटल से हम आगे हैं भाई साहब, 1 किलोमीटर आगे मेरे पीछे है बसपा रिवर नदी है। हवा इतनी तेज़ चल रही है, ज़बरदस्त। यहाँ टेंट वेंट भी लगे हुए हैं रहने के लिए, लेकिन हम यहाँ नहीं रहे, कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहीं रहेंगे। और मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, और पीछे आप देख सकते हो जो यहाँ नदी का मज़ा उठा रहे हैं, और मैं यहाँ नदी का मज़ा उठा रहा हूँ, और वो सब वहाँ पर मैगी बना रहे हैं। मैंने कहा चलो वीडियो बना के आता हूँ, थोड़ा देख के आता हूँ नदी में क्या फ्लो चल रहा है। भाई साहब मुझे ढूंढ रहे होंगे,
कहेंगे जब भी कुछ बनाने बैठते हैं तो ये कहीं भाग जाता है। अब देखते हैं कि मैगी कहाँ तक पहुँची है। अगर तो पूरी बन गई है तो मैं वहाँ जाऊँ, नहीं तो बाद में इन्होंने मेरे से धुलवाने बर्तन भी। अभी देखो मैगी बन रही है, और भी आसपास के लोग आगे खड़े हो गए। भाई साहब ग्रह हो कह रहे हैं हम खिलाते हैं। ये बन रही है मैगी, आज सुबह का नाश्ता। आज सुबह पहुँचो यहाँ? नहीं नहीं, हम कल अंकल फोन करना जरा। कल स्टे कहाँ किया? स्टे ये उड़ला एक होटल था सरदार जी का। अरे खाना ही नहीं बनाने दिया हमें, मैं तो खाया ही नहीं खाना। अंदर बनाने नहीं देंगे अपने यहाँ अपने। और दिया जो सामान हमने मंगाया है ऐसे कैसे ही पड़ा था, अंदर नहीं बनाने देते है जी। आप लोग अभी आए क्या? जस्ट आए हैं सर। आप कहाँ से? वो नीचे वाले गांव में स्टे किया था। वो क्या था यार? वो चांगला। हाँ चांगला। आप कहाँ से आए? हम जोधपुर राजस्थान। जोधपुर। अभी क्या प्रॉब्लम है आपका? अब देखो वही सोच रहे हैं यार, ये स्टे करने लायक जगह तो है। हम तो जा रहे हैं अभी। आप तो स्टे कर लिया ना सर? सही बात है। आए लेट है ना यहाँ, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आगे लंबा है। अच्छा आप लेह लद्दाख तक जा रहे हैं ना? लेह लद्दाख। हम तो मैगी तैयार है, हम कल ही टेस्ट कर रहे हैं गरम गरम। वो ठीक है, अब तो दिन घट जाता है। यहाँ ऑक्सीजन कम है पक्का, अभी कर लो बना। और इसके बाद अभी अंकल जी आटा गूंदेंगे। ये आटा तैयार है क्योंकि बनने हैं नमक के परौंठे। ये जीजा जी पीछे पड़े हुए हैं, परौंठे भी खाने वाले हैं साथ में। हाँ हमारी वीडियो सारा नाम मेरे लगा दो तुम। तो आपने बोला बना के रख लो। हमें 1 किलो की 20 लीटर की बोतल लेके आए हैं। यहाँ आटा गूंदा जा रहा है और रोटियाँ बननी स्टार्ट हो गई हैं। कौन मिर्ची डालने को? नहीं कुछ भी नहीं। आटा किसी चीज़ में होना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किधर है? अरे परौंठे तैयार हैं अचार के साथ, नमक के परांठे। हाँ तो प्लेटें पकड़ के बैठ के कुछ करना ना पड़े। हम कौन कर रहा है ये? अभी गैस बंद होगी ना, कच्चे परौंठे खाओगे? गैस अंतिम सांसें गिन रही है, हमने से पकड़ के रखा हुआ। खाना वाना खा लिया है और अब थोड़ा नदी किनारे चले। अंकल जी वहाँ पर सेल्फियाँ ले रहे हैं नदी किनारे। अंकल जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, जबरदस्त। और पानी ठंडा है? शीतल और तेज जल से चलती हुई ये बसवा नदी, जिसके किनारे में हम बैठे हैं, खाना बनाया है, खाया परोठे नमक वाले अचार के साथ, उससे पहले मैगी खाई, और अब हमारी यहाँ से चलने की तैयारी है 5-10 मिनट बाद। और चलेंगे जाएंगे हम आगे बॉर्डर बॉर्डर से पहले एक चेक पोस्ट है जो आगे जाने नहीं देते, लेकिन उस चेक पोस्ट तक जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ के जरूर चित्र देंगे, वीडियो दिखाएंगे, ताकि आपको अच्छा बना रही है हमारे साथ। आप देखो सामने लोग एक बच्चे मैंने इसमें वीडियो बनाई है, बाहर देख आज हमारी बात सुनी देख ही लियो। हाँ जी यहाँ मजा देगा। इसके साथ मैं गाना गा रहा हूँ, इसको बनाते बनाते ना गाना गा रहा हूँ, तुझको चलना होगा। पूरा गाना है अभी, तू आगे ना ऊपर से रह गया। अच्छा अच्छा आओ जी, आप ना हो जी आ रहे।
गर्म पानी आ रहा है, नहाओ। पानी है। और मैं वहाँ से आगे आ गया हूँ, गाड़ी आ रही है पीछे, मुझे शॉट लेना है गाड़ी का वहाँ, क्योंकि वहाँ से गाड़ी आती है बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं आगे चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ से सीधा खड़ी चढ़ाई है, सीधा ऊपर जाना गाड़ी ने यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको कैप्चर करूँ और देखूँ कि गाड़ी कैसे चढ़ती है। गाड़ी आ रही है, भागो। पहाड़, नदी और गाड़ी आएगी। अब यहाँ से हमें ऊपर जाना है, बिल्कुल ऊपर। और एक टाइम में एक गाड़ी ऊपर जा सकती है या एक नीचे आ सकती है। हम चढ़ेंगे, हमें देखना है कि कोई ऊपर से गाड़ी ना आ रही हो, नहीं तो हमें वापस आना पड़ेगा पूरा नीचे तक। ये स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है चितकुल का। क्या ज़बरदस्त लोकेशन पर है, पीछे नदी, पहाड़ और ये स्कूल। स्कूल आने का भी मन करे। ये आगे गाड़ी हमारी, ये जीजा जी बाय कर रहे हैं। मतलब ये चोरी ना जाए। ओके बड़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर मिलेंगे भाई। भागो, ये भाग भी जाएंगे। इन्होंने मुझे एक आध किलोमीटर दौड़ा देना है। मैं भाई एक आध किलोमीटर दौड़ा ही ना दो आप। तो मैं इनको कह रहा हूं भरत जैसा लड़का दौड़ा दे। हां जी, चल चल चल। अब चढ़ेगी यहाँ से गाड़ी ऊपर। ठीक है, टाइम हम खड़े हैं इंडिया तिब्बत के लास्ट चेक पोस्ट पर। ये लास्ट चेक पोस्ट है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। यहाँ तक आम पब्लिक आ सकती है, इससे आगे जाना सामने चेक पोस्ट है जहाँ की फोटो लेना भी मना है। चलो 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 चलो। बहुत ही नैरो रोड है और नीचे खाइयाँ हैं, आगे से गाड़ी आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है।
अभी ये बन रही है दाल, अभी तड़का लगेगा। कमरे के अंदर ही सब कुछ तैयार हो रहा है। इससे पहले हमने पॉपकॉर्न भी बनाए थे, उसकी वीडियो नहीं बनाई, तो अभी बस दाल बन रही है, उसके बाद रोटी बनेगी। आटा हमने वहाँ गूंद ही लिया था चितकुल में, उसके रोटियाँ बन जाएंगी। प्याज यहाँ भीगे हुए हैं, तो अब हम चितकुल से आगे हैं कल्पा। कल्पा जगह का नाम है, ये मत सोचो कि कल्पा मतलब भाई बंदा कल्पा हुआ है, ठीक है ना। तो चितकुल से हम कल्पा आ गए हैं, जो है 60 किलोमीटर। अगर आपने काजा जाना है चितकुल से, आप कल्पा को अवॉइड भी कर सकते हैं। कल्पा या रिकोंगपियो, रिकोंगपियो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है कल्पा से, मतलब कल्पा आप समझ लो रिकोंगपियो में ही आता है। तो कल हम यहाँ से काजा के लिए जाएंगे, काजा यहाँ से है 210 किलोमीटर। तो अगर आप जब भी चितकुल जाएं और आपने काजा जाना हो, तो इस जगह को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक दो चीज़ें ही देखने वाली हैं, जैसे सुसाइड पॉइंट है, तो सुसाइड पॉइंट को तो आप अवॉइड कर ही सकते हो। हमने जो होटल लिया है, इस होटल में हम खुद कुकिंग कर सकते हैं, और अच्छा है कि हम खुद कर सकते हैं। और हमने ग्राउंड फ्लोर ही ले लिया है, गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी है, और सामने का सीन आप देख ही सकते हो, बर्फ़ के पहाड़। लगभग 10,000 फीट की हाइट पर है कल्पा, और अब यहाँ से हम जाएंगे कल सुबह, कोशिश करेंगे 5-6 बजे तक निकल जाएं। हमें काजा जाना है 210 किलोमीटर, ठीक है जी। तो ये था आज का दिन, आपने देखा। मिलते हैं आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।